कौन से क्वेश्चन तक हो गया था बेटा? आई मीन मार्क्ड, आई थिंक सेवेंथ क्वेश्चन तक हो गया, सेवेंथ क्वेश्चन तक हो गया था ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, 8 9th, 8th 9th एंड 10th, तीनों क्वेश्चंस कीजिए जरा जल्दी से, देन आई विल डिस्कस। ठीक है, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th। 9th B एंड 9th D बेटा, योर कैमराज आर स्टिल नॉट वर्किंग। वेयर इज सेक्शन सी? इट मर्ज्ड। मैं 9th इज कंबाइंड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एफ जी ई एफ, ई सेक्शन भी नहीं है, ई भी मर्ज्ड है क्या? ऑल्सो ओके, कंबाइंड आज स्टूडेंट्स बहुत कम लग रहे हैं आपकी क्लासेस में। चलिए क्वेश्चन कीजिए बेटा जल्दी से, 8th 9th एंड 10th, अगर किसी के हो गए तो जस्ट रेज योर हैंड्स। जल्दी से बैठोगे मैं स्टार्ट करना आपको, कैमरा ऑफ किया हुआ है अभी, तो सोची जा कहाँ बैठना है, आगे की टिकट को कहीं कदा नहीं देख रही। हाँ तो अभी तुम्हारी कोई बात इस रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे कीप कीप डूइंग योर वर्क, चल करते जाइए क्वेश्चन नंबर 8 9 10th, अगर हो गए तो आगे वाले कंटिन्यू कर लो, देन आई विल डिस्कस, लेट देम सेटल। ठीक है, मीन टाइम बाकी स्टूडेंट्स काम करते रहो बच्चे। चलिए आई होप हो गए होंगे, तीन क्वेश्चंस काफी सिंपल से ही थे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन बताएगा मुझे आंसर, किसने कर लिया है? 9th F नवदीप, 9th F नवदीप। हां जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चलिए बेटा जल्दी से नवदीप। यस, विच वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ? एनीवन फ्रॉम 9th A? 9th A, 9th A रॉबिन। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स विद डिफरेंट ऑप्शन? यू गो बैक टू योर सीट बेटा, अभी एक्सप्लेन करते हैं। पी ऑप्शन बी ऑप्शन। ओके, कोई और? ए और डी वाला?
ए ऑप्शन वाला भी है कोई? ओके एनीवन लेफ्ट हु गॉट टू से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलो ऑप्शन डी बच गई है ना, बच गई हमारी, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, ये तो किसी ने राइट आंसर नहीं दिया. द राइट आंसर इज दिस वन. देखो व्हाई दिस इज रॉन्ग. कैल्शियम, आप इसका फॉर्मूला बनाकर देखो जरा, इनकी वैलेंसीज लिख के राइट डाउन देयर वैलेंसीज बिलो दीज एंड देन चेक वेदर CaCl इज. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? What is the valency of chlorine? देखो अगर टू दिख रहा है तो फॉर्मूले में टू तो होना चाहिए था ना. आप ऑरली सोचकर देखो, अगर वहां टू दिख रहा है तो यहाँ कहीं तो टू होना चाहिए था, तो टू है ही नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन कैसे बन सकती है? तो ये देखो, ये वन इधर आया, टू इधर आया, तो ये बना CaCl2. तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला इज नॉट CaCl, इट इज CaCl2. ये क्या होना चाहिए था फॉर्मूला? CaCl2, तब ये करेक्ट होता. कम टू दिस ऑप्शन, पहले समझ लो, एक बार फिर टाइम दे दूंगी नोट के लिए भी. अब ये क्या है? Na4 सोडियम एंड SO4 सल्फेट. नाउ सोडियम का सिंबल इज Na, सल्फेट इज SO4. Now this is polyatomic. I will keep it in brackets. ठीक है बच्चे. Now note down the valences. लिखिए जरा, what is the valency of sodium? What is the valency of sodium? One. And what is the valency of sulfate? So I'll use two only. अगेन देखो इस फॉर्मूले में टू दिख रहे हैं ना आपको, क्या यहाँ कहीं टू दिखा आपको? एक जजमेंट तो आप यहीं से लगा सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग. तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है? क्या है करेक्ट फॉर्मूला इसका? Na2SO4. अगर सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4. राइट बच्चे, ये भी गलत ऑप्शन. अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं. दिस इज सोडियम, दिस इज नाइट्राइड. अकेला एन किस लिए होते हैं? नाइट्राइड. ठीक है, ये क्या है? नाइट्राइड. राइट, वैलेंसीज लिखिए जरा. सोडियम की वैलेंसी इज 1, नाइट्राइड की वैलेंसी इज. नाउ क्रॉस इट, क्या बनाइए? 3 इधर आया, 1 इधर आया, एंड वी आर गेटिंग दिस Na3N. ठीक है बच्चे, आए साफ समझ आ गया ये? ठीक है, अब गलत नहीं कर रहे. चलिए अब नोट करना है किसी को कुछ, इनके राइट फॉर्मूलाज क्या थे वो लिख लो साथ साथ में. जो ऑप्शंस गलत है उनके राइट फॉर्मूलाज लिख लो साथ में. एक था NaS, NaS का करेक्ट फॉर्मूला होगा, इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा Na2S. इट विल नॉट NaS, इट विल Na2S. हेलो मैम. क्वेश्चन नंबर 9th बेटा लीव कर दो. क्वेश्चन नंबर 9th इज नॉट करेक्ट. आई थिंक इन एग्जिबिट द वैलेंसेस कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर. 2, 4, 6 सल्फर 2, कॉपर 2, और वाला तो इसमें कोई भी नहीं है, 6 वाला भी कोई नहीं है. इसे 4 एंड 6 कट कर दो. एन एलिमेंट विच कैन एग्जिबिट वैलेंसी ऑफ 2, इतना कर लो बस ये क्वेश्चन.
विच कैन एग्जिबिट द वैलेंसी ऑफ टू. ठीक है, अब मुझे राइट ऑप्शन बताइए क्या होगी इसकी. कॉपर. कॉपर. यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू ही पूछा गया. आयरन एंड सल्फर. आयरन एंड सल्फर. आयरन नहीं होगा बेटा. हाउ आयरन कैन बी कैन ऑफ वैलेंसी फोर एंड सल्फर. आयरन की भी टू हो सकती है. आयरन की दो सल्फर. सल्फर भी होगा. इसमें कॉपर भी होगा, आयरन भी होगा. आपने आयरन टू वाला एक केस किया है जिसमें Fe प्लस टू होती है वैलेंसी. ठीक है, एंड सल्फर भी होगा. सल्फर मींस सल्फाइड, एस टू नेगेटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, ये सब होंगे. इसके अंदर मर्क्यूरी नहीं आएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा. किया है किसी ने क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10. ध्यान से, अब मैं किसी से पूछूंगी, मैंने नहीं समझाना क्वेश्चन. ठीक है, नाइन्थ बी से किसी से पूछ लिया. टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई है वैलेंसीज ऑफ फाइव एंड थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली. द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर मोस्ट लाइकली टू बी. हां जी, फाइव एंड थ्री एक पेयर में है, टू अलग पेयर में है. मतलब फाइव एंड थ्री कॉमा टू, ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझो. ठीक है, अब मुझे राइट ऑप्शन कौन बताएगा. फ्रॉम नाइन्थ बी इट्स सुखविंदर. नाइन्थ बी सुखविंदर. चलिए चलिए जल्दी से. शुभा, ये इतना टाइम क्यों लगता है बेटा उठने में. अगर एब्सेंट है तो कोई बोल दो कि एब्सेंट है. अगर प्रेजेंट है तो बेटा जल्दी से निकल कर आओ. नाइन्थ बी माइक इज नॉट वर्किंग बेटा. एब्सेंट ही होंगे जो आए नहीं है ना उठ के. चलो नाइन्थ सी. नाइन्थ सी इज देयर नाउ. नाइन्थ सी से मान्या. हाँ जी बेटा, व्हाट विल बी द राइट आंसर. कोई ऑप्शन इसमें सही है भी है. अच्छा, ये फाइव सी. सी ऑप्शन नहीं आएगी बेटा. सल्फर की फ्लुएंसी फाइव नहीं होती है. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 7 2 5. एटॉमिक नंबर वैलेंसी फाइव नहीं है उसकी. उसका तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइव होते हैं. कॉपर टू फॉस्फोरस कैन बी फाइव एंड थ्री. फिर उसके साथ नाइट्रोजन का पेयर नहीं जा रहा है. टू नहीं होती है नाइट्रोजन की. फाइव अकेला ले तो फाइव नहीं. कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है बेटा इसमें. लीव दिस क्वेश्चन, आई विल करेक्ट द क्वेश्चन. ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेक. क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11th. मैंने किसको बुलाया था अभी 9th से? मान्या, आ जाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th. हाँ जी, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज एक्स थ्री वाई. द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई विल बी. द फॉर्मूला इज एक्स थ्री वाई. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ वाई. हाँ जी, इज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली बेटा. अच्छा, फिंगर से बता दो, फिंगर से बता दो. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स. वन.
Okay, and what is the valency of Y? 3. Very good. Beta, they are 1 and 3, answer. 1 and 3, yes, yes. Go back to your seat, beta. See, valencies, you kaise dekhte hain? जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्रिस क्रॉस करते हैं ना, जैसे मुझे सोडियम ऑक्साइड का बनाना है तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ, ऑक्साइड की यहाँ, तो हम क्रॉस कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो पहले वाले एलिमेंट के साथ लग गई, और जो सोडियम की वैलेंसी थी वो पीछे वाले एलिमेंट के साथ लग गई। तो जो वैलेंसीज यहाँ दी होंगी ना वो ऑपोजिट करनी है हमें बस। जो यहाँ नंबर होगा वो x की वैलेंसी होगी, और जो ये वाला नंबर है वो y की वैलेंसी होगी। ठीक है, समझ आई बेटा ये चीज? सो द राइट आंसर इज 1 and 3, ए इज द राइट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, डू इट फास्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वैलेंसीज की। Keeping in mind that you have to learn the valences, तभी कर पाओगे। देखो क्वेश्चन कह रहे, the formula of the sulfate of an element X is X2SO4 thrice. The formula of nitride of element X, element X का nitride के साथ formula बताना है। Nitride means N। देखो ये तीन दो होते हैं, एक नाइट्रेट होता है, एक नाइट्राइड होता है। निकालो जरा बुक्स अपनी अपनी सभी, देखो उसमें एक नाइट्रेट है और एक नाइट्राइट है। थर्ड चैप्टर क्या, वही वाला वैलेंसीज वाला पेज। नाइट्रेट इज NO3, वेयर एज नाइट्राइड इज N। ठीक है, इन फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं लिखने में, यहाँ पे नाइट्राइड पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये यूज कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो नाइट्रेट इज NO3, नाइट्राइड इज N, एंड वैलेंसीज अलग हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है, अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी -1 और इसकी वैलेंसी -3। ठीक है, एक और चीज समझते हैं हम। अब हमारे पास क्या होता है, देखो बुक के अंदर ही देखो, एक सल्फेट है, एक सल्फाइट है और एक सल्फाइड है। तीन चीजें दी हुई हैं आपको, दी हुई है, देख रहे हो सभी। सल्फेट इज SO4, सल्फाइट इज SO3 एंड सल्फाइड इज S। वेरिएशन समझ रहे हो बेटा? तो अगर आपको फॉर्मूलाज लिखने आते हैं तो आपने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से दिया क्या गया है। एक आपके लिए लकी चीज है कि इन सबकी वैलेंसी -2 है। देखो अब आपको कितना इजी हो गया वैलेंसीज को याद करना, जैसे ही सल्फर का कुछ देखा, सल्फेट हो, सल्फाइड, सल्फाइड हो, सल्फर से रिलेटेड कुछ भी है, सबकी वैलेंसी क्या है -2। लर्न हो गया, सबको लर्न हुआ, भूलेगा तो नहीं कोई। यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इस पार्ट में ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो अब मुझे यहां क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिमेंट एक्स का उसके नाइट्राइड के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा। अब नाइट्राइड के साथ फॉर्मूला बनाना है तो नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी है मेरे पास, -3। फॉर्मूला तभी बनेगा जब मुझे एक्स की वैलेंसी भी पता हो। तो आप क्या इस फॉर्मूले से मुझे एक्स की वैलेंसी बता सकते हो? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स? 3। क्योंकि ये जो नंबर 2 है ये किसकी वैलेंसी है? सल्फेट की। जो ये वाला 3 नंबर है ये किसकी वैलेंसी है? एक्स की। तो एक्स की वैलेंसी इज 3। तो प्लस माइनस हम हटा देते हैं। अब एक चीज और है, अगर दोनों साइड सेम नंबर आ जाए तो क्या करें? क्रॉस कर दो करने है तो पहले, तो इट विल बिकम X3N3। ठीक है,
तो अगर सेम मल्टीपल के नंबर आते हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, 3 वन दा 3, 3 वन दा 3, तो ये क्या बना, x1 n1 इक्वल टू xn, दिस इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं बेटा ऐसे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कुछ नई चीज नहीं आती है, कुछ और फॉर्मूला आ जाएगा, कुछ और पूछ लेंगे, करना यही है, एक जगह से वैलेंसी फाइंड करनी और दूसरे के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला मास निकालना है बेटा। अच्छा मुझे कोई बताएगा फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस है? देखो कैलकुलेट करने का तरीका तो एक ही है, कैलकुलेट करने में तो कोई वेरिएशन नहीं है, उसी तरीके से हम प्लस प्लस करते जाएंगे हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी, सॉरी मास आ जाएगा, बट डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में? कैन एनी वन टेल मी? यह रट्टा मार रखा है डेफिनेशन का, बेसिक डिफरेंस किसको पता है? नाम सुन के सोचो जरा, एक मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास और एक मैंने बोला फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला, सोचो कुछ जरा, कुछ दिमाग में जा रहा हो तो कि क्या डिफरेंस हो सकता है। अच्छा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल आपने चैप्टर किया है, मॉलिक्यूल वाला टॉपिक पढ़ा है, मॉलिक्यूल जैसे कि CO2, जैसे कि वाटर, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि और भी कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, क्या इनको हम क्रिस क्रॉस मेथड से बना रहे हैं? आपके पास आ गया C2H6, आपके पास आ गया CH3OH, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मुझे बताओ क्या ये आप क्रिस क्रॉस मेथड से बना रहे हो? वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का फॉर्मूला क्या आप क्रिस क्रॉस मेथड से लिखते हो? फॉर्मूला मेकिंग मेथड से नहीं लिखते ना, क्या आप CO2 का फॉर्मूला ऐसे लिखते हो? कार्बन तो हमने वैसे ही नहीं वैलेंसी में पढ़ा, कहीं पूरे टेबल में वैलेंसी में कार्बन था? कहीं भी नहीं था। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी इज 4, तो कहीं पढ़ा आपने 4 वैलेंसी? पूरे टेबल में कहीं पर भी 4 नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ये सब मॉलिक्यूल है, इनको कंपाउंड भी बोलते हैं, वो बाद की डिस्कशन है क्यों बोलते हैं कैसे बोलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स, जबकि आपने लिखा फॉर्मूला NaCl, अभी जैसे आपने लिखा था पीछे जो फॉर्मूला था ऐसे CaCl2, हमने ये सब क्रिस क्रॉस करके बनाए थे। ठीक है, MgS कुछ भी इस तरीके के जो फॉर्म ये है, ये सब हमारे क्रिस क्रॉस करके बनते हैं, मतलब ये सब हमारे फॉर्मूलाज के मेथड से बन रहे हैं, तो जब मैं इनका मास निकालूंगी तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और जब इन फॉर्मूला जो हमने बनाए हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, जो फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं, जब मैं उनका मास निकालूंगी तो मैं बोलूंगी फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, कई बार MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, एक स्टेटमेंट दे देंगे कि दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, फॉर्मूला एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज और देखो, यहां पर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मतलब एक पॉजिटिव आयन वाला है और एक नेगेटिव वाला है, ये सब एनायन कैटायन वाले हैं, ऐसे ही है ना, देखो यहाँ कैल्शियम पे +2 होता है, क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, देखो सब एनायन कैटायन वाले हैं ये, तो जिनमें आपको एनायन और कैटायन मिलता है दे आर फॉर्मूला यूनिट मास, इसमें नहीं मिलेगा हमें, इनमें किसी भी फॉर्मूले में हमें एनायन कैटायन नहीं मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ, समझ आया? मेथड सेम है, अगर मुझे इस फॉर्मूला निकालना है, लेटर से मुझे CH4 का फॉर्मूला निकालना है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मुझे इसका मास निकालना है,
या मुझे सपोज करो NaCl का निकालना है, मेथड मेरे पास सेम है मास निकालने का, किस किस को आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना, टोटल मास निकालना, जस्ट रेज योर हैंड्स। वो सारे स्टूडेंट्स, ये सिंपल टॉपिक है, आना चाहिए ये तो। ओके आता ही है काफी बच्चों को, ठीक है। CH4, अगर मैं CH4 का कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? नंबर इज नॉट 12, एटॉमिक नंबर इज 6। ये हटा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। एटॉमिक नंबर 6, इसका मास क्या है? डबल कर दो, जितना है ये नंबर उसका डबल इज मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, ये एक्सेप्शनल केस है, इसके मास को हम डबल नहीं करते, इसका मास यही रहता है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मास डबल हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, मास डबल कर दो, ठीक है। आपके पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, मास कितना हो जाएगा? 24। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज, मास कितना हो जाएगा? 40। समझ आ रही है चीजें? कुछ चीजें होती हैं अलग, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, सोडियम के एटॉमिक नंबर इज 11। मास देखो, ये एक एक्सेप्शन है। अब देखो यहां पर ऑड नंबर है 11, 11 का डबल कितना होगा? बट इसका 22 + 1 = 23 होता है मास, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, 19 का डबल इज 39, 38 + 1 इसका एटॉमिक मास हो गया 39। समझ रहे हो बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज, मास, अब ये इवन नंबर है, 16, ठीक है। तो देखो जहां पर भी ऑड नंबर आएगा ना, मास डबल प्लस वन हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड एटॉमिक नंबर्स में मास जनरली डबल प्लस वन हो जाता है, ये याद रखने का एक मेथड बता रही हूं मैं। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट जहां तक हमारे एटॉमिक नंबर्स हमें लर्न करने हैं, वहां मोस्ट ऑफ केसेस में ये एप्लीकेबल है। जहां पर भी इवन है, देखो ये क्या है, 8 इवन, ये इवन, 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 इवन नंबर्स में एग्जैक्टली डबल। देखो एटॉमिक नंबर याद करना कितना यूजफुल है, ठीक है। एक मेन जो हमारा बहुत ज्यादा आता है, सभी जगह आएगा, क्लोरीन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? अगेन ये क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबल 35, बट इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, 35 से 35.5 U, ठीक है, 35.5। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो आप लगा ही सकते हो, काफी का तो आप याद भी रख सकते हो। इवन में तो हमेशा ही एग्जैक्टली डबल जाएगा, कुछ एक्सेप्शन है वहां पर भी, ऐसा नहीं है कि मैं 100% रिजल्ट के लिए बोल रही हूँ। आप देखो, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपने 10th क्वेश्चन में बताया था कि नाइट्रोजन और आयरन वाली वैलेंसी बन नहीं सकती, पर नाइट्रोजन की 5 और 3 दोनों नहीं हो सकती? मैं देख रही थी बेटा, नाइट्रोजन जनरली कितनी होती है उसकी, 3 होती है, उसका साइज छोटा है ना, 5 लूज करना उसके लिए मुश्किल है, मैं इसीलिए मैं रुक गई थी। की तो बन सकती है, हाँ नाइट्रोजन है ना, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा, 2.5, आइदर इट विल गेन 3 जी, बट ये 5 इसको लूज करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, 99% ये केसेस नहीं हो सकते, दैट इज आई स्टॉप। वैसे अगर इसी में से चूज करना पड़ेगा देन आई विल गो विद डी ऑप्शन। ओके मैम थैंक यू, हमें डी से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको लीक करवाया था।
क्योंकि अगर यहाँ पे 5 हो सकती है तो बाकी में भी हो सकती है फिर तो, है ना, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपके लेवल के बेसिस पर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 ही मानकर चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। अब मास कैसे निकलते हैं? कार्बन का मास कितना है? 12 12 प्लस हाइड्रोजन, मास प्लस करके निकलता है हमेशा, हमें टोटल मास निकालना है तो हम प्लस करते जाएंगे हर एक एलिमेंट के बाद। हाइड्रोजन का मास 1, और हाइड्रोजन कितनी बार है बेटा? 4 और टाइम, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 12 प्लस 4, इट इज 16 यू। यू इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब ये तो मॉलिक्यूल था, अब ये NaCl क्या है? ये तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। सोडियम का मास कितना है बेटा? 23। क्लोरीन 23 35.5 का मास, हाँ जी, कितना आया प्लस करके? 58 58.5 पॉइंट फाइव यू। यूनिट लिखनी है साथ में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। देखो मेथड इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब चलो सिंपल वाला तो आपको आता होगा मास निकालना। अगर हम एक डिफिकल्ट वाला उठा लें, लेट अस से मैंने निकालना है मैंने निकालना है मास Al2 SO4 होल थ्राइस, मुझे इसका मास निकालना है। या पहले एक सिंपल बता दूंगा, मुझे निकालना है Na2 SO4 का मास, लेट अस से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम? 23। एंड हाउ मेनी टाइम द सोडियम एटम इज प्रेजेंट? ये पे इसका काम खत्म। अब हम चलते हैं सल्फर पे, तो प्लस सल्फर का एटॉमिक मास इज, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? 32 32, 16 और 16 होते हैं तो 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16। एंड हाउ मेनी टाइम ऑक्सीजन, कितनी बार है? और अब मल्टीप्लाई कर दो सब कुछ, देखो जरा कितना आंसर आ रहा है। मैम 142 142 यूनिट्स, ठीक है जी। चलो यस अब एक थोड़ा सा और इससे कॉम्प्लिकेटेड वाला करते हैं, थोड़ा बड़ा था, अब मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला करवा दूं, ठीक है। सपोज करो Al2 SO4 होल थ्राइस होता, अब क्या करेंगे? वाला एल्यूमिनियम, थ्री एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज, फोर्टी एल्यूमिनियम इज टू 13। ये ऑड नंबर आ गया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज ऑड, 27 27। वेरी गुड, इजी लग रहा है थोड़ा सा मास को याद रखना, ठीक है। तो यहां देखो एल्यूमिनियम का मास इज 27, हाउ मेनी टाइम एल्यूमिनियम एटम इज प्रेजेंट? 2 टाइम्स, खत्म, एल्यूमिनियम इज ओवर। ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है किसी किसी बच्चे के, ध्यान से। एल्यूमिनियम ओवर, नाउ प्लस साइन, देखो इसमें ब्रैकेट के बाहर 3 भी लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के आउट ऑफ 3 लगा है, आप भी एक ब्रैकेट लगा लो और बाहर 3 लगा दो। 342 ओके बेटा मैं एक बार समझा दूं सबको। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास इज अभी अभी क्या? 32।
ऑक्सीजन का मास है 16 एंड फोर। ये मेन चीज है इसमें, ब्रैकेट के बाहर थ्री भी रहेगा क्योंकि ये पूरे को थ्री से मल्टीप्लाई करना है बाद में हमने। बी वेरी केयरफुल, 27 टू द 54 प्लस 32, 16 फोर द 64 इंटू 3, 54 कैलकुलेट करते जाओ बेटा, 96 इंटू 3, 54 प्लस 288, 342, ठीक है। ये आ गया हमारा एटॉमिक मास ऑफ दिस कंपाउंड। हाँ जी बेटा डन, यस चलो नोट कर लो बेटा, प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिख लो बेटा प्रैक्टिस के लिए, मैं दो तीन क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। चलिए ये लिख लो, अपने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं बेटा आपने। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17, अगेन अनदर कॉन्सेप्ट इज देयर, उसको भी समझ लो बेटा। मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा आपको, मासेस लर्न करने का पता लग गया, कैसे लर्न करनी है। डोंट क्रैम एनीथिंग, हर चीज का एक लॉजिक होता है बेटा, याद करने का तरीका होता है, करना तो याद ही पड़ेगा बट एक लॉजिकली याद करोगे तो चीजें ज्यादा लॉन्ग मेमोरी में याद रहेंगी आपको। क्रैम करने से तो शॉर्ट टाइम मेमोरी में जाती है, ठीक है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग, लुक द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, कैन एनीवन टेल मी व्हिच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिखा भी हुआ है अभी मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है एल्युमिनियम। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन X3+, कह रहे हैं कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तो इतना है, इस 3+ का क्या मतलब होता है? इट हैज लूज 3 इलेक्ट्रॉन और इट हैज गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स। लूज समझो बेटा, जो बच्चे पहले से ही जिनको आते हैं उनको तो डबल समझ आ जाएगा, जो नहीं करते वो ध्यान से सुनो, बहुत यूजफुल चीजें हैं, पेपर आता है सब कुछ इन्हीं चीजों में से, ठीक है। अब प्लस साइन का मतलब क्या है, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, उल्टा साइन लेना है, कल भी मैंने बताया था, प्लस का मतलब लूज करना, माइनस का मतलब गेन करना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे X3+ में, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज द राइट, इसका आंसर कहां पर है, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन Z3 नेगेटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कह रहे 10 है, कितने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट Z, तो एलिमेंट Z के पास
एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा? सेवन. देखो वेरी गुड. थ्री नेगेटिव कब बनता है? जब वो उसने तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे. माइनस वैलेंसी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं. तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. समझ आ रहे हैं? आपके पास 5 पेंसिल्स थी, आपने किसी से 2 गेन कर ली, तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई. तो पहले कितनी थी वो बतानी है. तो अभी कितनी थी? 10. गेन कितने किए थे? 3. तो 3 माइनस कर दो तो कितने बचे? 7. तो एटॉमिक नंबर कितना है? 7. बस ये लूज और गेन का थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों का. चलो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जल्दी से करके दिखाओ मुझे. क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नंबर 16 का 18 है, बी ऑप्शन. मैं देख लेती हूँ बेटा. अभी एक बार प्लीज बच्चे आंसर मत बोलना, ठीक है? आई लास्ट टू समवन. केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं बेटा आपके एग्जाम्स में? वन. सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यस. तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको पेपर में, ध्यान से पढ़ लो. यही चीजें आने वाली है फिर तो सारी, और कोई क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे. डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने के बन जाएंगे, है ना? तो प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की. क्वेश्चन नंबर 16, 17 हो गए बेटा दोनों क्वेश्चंस. ऑरल क्वेश्चंस ही है ये तो. देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ई इज 16. एलिमेंट ई है उसका एटॉमिक नंबर है 16. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन ई टू नेगेटिव विल बी टू नेगेटिव इन और लूज. नेगेटिव मींस गेन और लूज. गेन. अगर 16 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18. ठीक है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन वाई टू प्लस इज 10. टू प्लस का मतलब उसने लूज किया या गेन किया? लूज. लूज. लूज करने के बाद उसके पास 10 है, तो पहले कितने रहे होंगे? 8. मतलब 2 लूज किया तो 10 थे. तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इज 12. वेरी गुड. इट शुड बी 12 बेटा. 8 वाला कौन था? पहला सही. क्लैपिंग कर दो उसके लिए, 8 वाले के लिए. मैं घंटे से पढ़ा रही हूँ फिर 8 आंसर आ रहा है. ताकि सबको याद रहे कि 8 आंसर नहीं था. ठीक है, लूज किया बेटा. एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब उसके पास 10 है. देखो मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा. आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है? और ये होते हैं सेकंड शेल में 1 2 3 4. ये चैप्टर नहीं किया ना आपने, सच? फोर्थ चैप्टर नहीं किया हुआ है ना? रहने दो इसको, रहने दो. ठीक है, चैप्टर नहीं किया ना, मुझे अभी याद आया. चैप्टर आप कल कह रहे थे कि किया नहीं किया. टू प्लस, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स. टू प्लस का मतलब उसने 2 लूज किए तब 10 बचे. तो पहले कितने थे वाई के पास? हाँ जी, 12 नहीं होंगे. 12. ठीक है, 12 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, कहीं प्लस करना पड़ता है कहीं माइनस करना पड़ता है. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18, 20
ये एक बार छोड़ दो क्योंकि फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के साथ, तो ये अभी रुक जाओ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हुए? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्मड बाय अ कॉम्बिनेशन बिटवीन, 19th क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। नहीं हो तो जाएंगे बेटा, क्वेश्चन होने में दिक्कत नहीं है, बट काफी स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता भी नहीं होगा। चैप्टर तो हुआ है वैसे, चैप्टर कर लिया, मैं करवा देती हूँ बेटा क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलो देख लो 18th क्वेश्चन देख लो बेटा। अ पार्टिकल पी हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल पी के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 18। कौन सा एलिमेंट होगा ये, किसका एटॉमिक नंबर 18 होता है? आर्गन। 20 न्यूट्रॉन्स एंड 19 प्रोटॉन्स, दिस पार्टिकल मस्ट बी। इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। पी हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स एंड 19 प्रोटॉन्स। 19 क्लोरीन। इसमें से तो कोई भी नहीं जा रहा है आपका। 18 आर्गन होता है, 19 के हिसाब से तो पोटेशियम बना। नहीं है बेटा, राइट क्वेश्चन नहीं है ये भी, आई विल चेक बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है गड़बड़, प्रॉपर क्वेश्चन सेम नहीं हुआ हुआ ये वाला ना। क्वेश्चन नंबर 19, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन। हाँ जी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स किसमें होते हैं? अभी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी थी कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, तो किसमें बन रहे थे? टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। टू डिफरेंट नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल नहीं होगा बेटा, वो फॉर्मूला बन जाएगा फिर। मेटल एंड नॉन मेटल में फॉर्मूला बन जाएगा, कंपाउंड तो होगा, मॉलिक्यूलर नहीं होगा वो। इट इज बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। अ पार्टिकल एक्स हैज 17 प्रोटॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दिस पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी। हाँ जी, देखो पता है क्या है? हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को उसके प्रोटॉन से आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बताने का। क्या बेस्ट क्राइटेरिया है? उसके प्रोटॉन्स बताने का। प्रोटॉन कितने हैं इसमें बेटा? 17 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर इज 17। एलिमेंट विल बी क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, और क्लोरीन क्या बनाते हैं? Cl नेगेटिव, तो ये एनाइन बना या कैटाइन बना? कैट हैज बॉस, कैटाइन्स आर पॉजिटिव, तो ये क्या बना? ये एनाइन बन गया। कैट हैज बॉस, कैटाइन्स आर पॉजिटिव, तो बट ये तो नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ? एनाइन हुआ। ठीक है बेटा, 21st एक लास्ट क्वेश्चन, अगर टाइम है तो आज मैं 4 मिनट से। एन एलिमेंट ए फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O5। वैलेंसी है कि 5? A2O5, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ वैलेंसी 5 ऑफ एलिमेंट ए, वैलेंसी 5। 5, वेरी गुड। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए? ए का क्लोराइड के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा? ए की वैलेंसी 5, क्लोरीन की 1, तो क्या बना फॉर्मूला? A5Cl, ACl5। ठीक है, क्रॉस कर दो,
ये फाइव जिसकी वैलेंसी होती है, आपने पढ़ा अभी तक फाइव वैलेंसी? फॉस्फोरस की होती है बेटा, फॉस्फोरस हैज टू वैलेंसीज ऑफ थ्री एंड फाइव, ठीक है? तो ये आपका जो एक्चुअल में कंपाउंड बना हुआ है, ये बना हुआ है P2O5। तो कई बार मन डाउट आ जाता है कि फाइव वैलेंसी दे दी, क्वेश्चन तो नहीं गलत, इसलिए वो पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैं फाइव में फास्फोरस देख रही थी। तो सी ऑप्शन में फाइव एंड थ्री जा रहे। चल लेट मी चेक बेटा, आप ना क्वेश्चन नंबर टेंथ में काम करो, एंड टू वर्ड काट दो, फिर ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर टेंथ में फाइव एंड थ्री, एंड टू लिखा हुआ है ना, जस्ट सिंपली कट एंड टू, ठीक है? फिर आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फॉस्फोरस की वैलेंसी फाइव हो गई और नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री हो गई, देन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो रेस्ट वी विल डू, आप कर सकते हो बेटा, बाकी तो प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर फॉर टीचिंग। ओके बेटा, समझ आना चाहिए आपको।